blistering pace is Ed Clancy for Great Britain. Swings off. And the crowd will roar them home, and already it's just under half a second. Australia's got to keep calm. Glenn O'Shea on the front here. It's a battle of nerve. O'Shea, the Omni rider, swings up. And the green and gold trying to stay with Great Britain. It's a machine from Great Britain. 0.5 of a second nearly up on the... Good morning. और क्लास 9 का बच्चा का एक सवाल है कि साइकिल रेस में उन्होंने देखा, हमको एक वीडियो दिखाया, जो वीडियो मैंने आपको साथ शेयर कर रहा हूं, कि जो साइकिलिस्ट में जो पहले चल रहा था वो ट्रैक छोड़ दिया और दूसरे वाले को पहले होने के लिए जगह छोड़ दिया और अपने जाके पीछे ज्वाइन कर लिया। तो ये बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये चारों जो है वो एक ही टीम के, ये एक टीम गेम है, ये एक ही टीम के खिलाड़ी है। अब सवाल उठता है कि पहला जो साइकिलिस्ट था वो दूसरे के लिए जगह क्यों छोड़ा। वो इसलिए क्योंकि जो पहले चल रहा था उसको एक फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा था। फोर्स तो हालांकि सारे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा था वो एक रेजिस्टिव फोर्स, जो फोर्स उस साइकिलिस्ट को थका दे रहा था। जब वो थक जा रहा था तो वो दूसरे के लिए आगे आने के लिए देता है। फिर वो कुछ देर चलने के बाद वो थक जाता है तो फिर वो भी उसके पीछे वाले को आगे आने के लिए स्कोप दे देता है। यही चलते रहता है और इसी हिसाब से एक टीम का परफॉर्मेंस देखा जाता है इसमें। अब आता है कि वो फोर्स जो है वो फोर्स क्या है। उस फोर्स, अब कोई फ्लूइड में कोई चीज़ मोशन करता है तो उसमें आपका एक फोर्स, एयर के केस में इसको बोला जाता है एरोडायनामिक ड्रैग या ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स जो है जो सबसे पहले रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे तीसरे चौथे के लिए कम होता है, इसीलिए पहला वाला सबसे ज़्यादा थकता है। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है, इसको डी से अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो डी से हाफ रो रो डेंसिटी ऑफ द एयर इंटू ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्रंट पार्ट और वी स्क्वायर वेलोसिटी, यानी ये फोर्स जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी बढ़ाने से ये फोर्स बढ़ेगा, इनटू सीडी, सीडी है ड्रैग कोएफिशिएंट। तो अब ये ड्रैग फोर्स को हमें कम करने से हम थकेंगे कम, तो क्या क्या कैसे कम कर सकते हैं? डेंसिटी, तो डेंसिटी हम कम नहीं कर सकते हैं एयर का। दूसरा एरिया, इसको हम कम कर सकते हैं, दिस कैन इज मैनेजेबल, एरिया इज मैनेजेबल। वी स्क्वायर भी अगर कम कर देंगे, ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन मेरा तो गोल ड्रैग फोर्स को कम करने से तो चलेगा नहीं, हमको तो हाई स्पीड में मूव भी तो करना है, हमको रेस में जीतना भी है, तो इसलिए वी को कम नहीं कर सकते हैं। एरिया को कम कर सकते हैं, डेंसिटी कम नहीं कर सकते हैं। और एक है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये भी कम नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट है। तो भाई एरिया कम, भाई एक आदमी अपने एरिया कम कैसे कर सकता है? आदमी एरिया नहीं कम करेगा, जो आगे बढ़ जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए ए आगे बढ़ रहा है वो एयर में, तो ये एरिया को कंसीडर किया जाएगा। ऐसा आगे बढ़ेगा तो ये एरिया कंसीडर होगा, ऐसा आगे होगा तो ये एरिया कंसीडर होगा। तो ये जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उस दिशा का एरिया को हम लोग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर से दिखाया है, देखिए ऐसा अगर हम नॉर्मल वे में साइकिल चलाएंगे तो ये काफ़ी एयर, यहाँ पर एरिया हम एक्सपोज होंगे, काफ़ी एरिया से हम लोग एक्सपोज होंगे, तो ड्रैग फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा अगर साइकिल चलाएगा तो एरिया कम हो गया, देखिए पहले से मुकाबले काफ़ी कम हो गया, और ऐसा हो गया तो मिनिमम, ऐसा में मिनिमम एरिया हो जाएगा। लेकिन साइकिलिस्ट ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होने से क्या होगा, ड्रैग तो मिनिमम होगा लेकिन फिर आप स्पीड गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ऐसा होगा तो इसमें आप साइकिल को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी हम दिखा देंगे कि ये कितना हाई स्पीड में ये भी जा सकता है। एक बार आप स्पीड गेन कर लेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत हाई स्पीड में आप ऐसा जा सकते हैं, क्योंकि आप इस स्थिति में ड्रैग फोर्स को काफ़ी कम कर दिए। तो ऐसा भी एक वीडियो हमने इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और ऐसा करने से आपका ड्रैग फोर्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप साइकिल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से अपना शरीर का एरिया जो है सामने तरफ का एरिया को कम कर देते हैं, सो दैट ड्रैग फोर्स का वैल्यू, ये एक रेजिस्टिव फोर्स है, इसकी वैल्यू कम हो जाए। और ये चीज़ हम लोग नेचर से ही ट्राई किए हैं। आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, बर्ड्स वगैरह फ्लाई करता है, जो पहले में फ्लाई करता है वो बर्ड जो है
घूम के पीछे आ जाता है और पीछे वाला आगे निकल जाता है कभी कभी। तो जो आगे वाला बर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा थकता है। यही चीज़ हम लोग नेचर से लर्न किए हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक साइक्लिस्ट कैसे अपना जगह छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक रेजिस्टिव फोर्स को झेलना पड़ता है, उस रेजिस्टिव फोर्स उसको थका देता है। सो एंजॉय द वीडियो, होप यू अंडरस्टूड द फैक्ट। सो दैट्स ऑल। About now.